चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। स्वयंवर बैंकेट हॉल में भारतीय युवा मोर्चा की एक बैठक आयोजित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहित बेनीवाल रहे मुख्य वक्ता। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की पीतल नगरी शाखा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एआरएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, भारी संख्या में चालक व परिचालक रहे मौजूद। डिडौली थाना क्षेत्र में महिला की दहेज हत्या का मामला आया प्रकाश में, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, जांच की शुरू। बुधवार को स्वयंवर बैंकेट हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोहित बेनीवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। बुधवार को मुरादाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक स्वयंवर बैंकेट हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने व संचालन रवि गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मोहित बेनीवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि युवा मोर्चा के विस्तार हेतु पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा की तैयारी करें, जिसमें मुख्य रूप से युवा मोर्चा के आने वाले दो कार्यक्रम युवा कला संगम व खेलो भारत के विषय में चर्चा हुई और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम समितियों का गठन किया गया। बैठक में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए खेलो भारत खेलो अभियान के तहत 3 खेलों का आयोजन महानगर युवा मोर्चा के द्वारा 8, 9 और 10 सितंबर को सोनकपुर स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2016-17 में पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है और कार्य विस्तार की योजना के तहत मुरादाबाद जिले में 2, 3 और 4 तारीख में युवा खेल उत्सव और 10 तारीख में युवा कला संगम के कार्यक्रम की योजना बन रही है। उस योजना की समीक्षा बैठक करने आज मुरादाबाद में बैठक लेने आए हैं। क्या उद्देश्य रहेगा इसका? ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको जोड़ने का काम इस योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को जो 18 से 35 वर्ष के बीच के आयु के हैं खेलों के प्रतियोगिताओं के माध्यम से और कला में जो हमारे मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर ऐसे युवा हैं जो कला में कुछ अपने विशेष प्रतिभाएं कला के क्षेत्र में हैं उनकी प्रतियोगिता के माध्यम से उनको पुरस्कृत करके उन कलाओं को उभारना और साथ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ना इस कार्यक्रम के लिए लोग आज बैठे। इस मौके पर संजीव चौधरी, गजेंद्र चौधरी, धर्मेश सैनी, अभिषेक, योगेश आदि लोग मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले बीटीसी यूपीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों ने 75,000 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बुधवार को उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले बीटीसी टीईटी यूपीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों ने 75,000 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ये हम सब लोग यहाँ पे बीटीसी पास प्रशिक्षु हैं जो टेट और सीटेट पास हैं और हम सब लोग योगी जी से भर्ती निकलवाने के लिए आए हैं कि प्राथमिक शिक्षा की जो बदहाली है उसे दूर करें। वहाँ शिक्षकों का अभाव है लेकिन फिर भी वो भर्ती नहीं दे रहे हैं। माननीय योगी जी ने 90 दिनों के अंदर तमाम रिक्त पदों पर भर्ती करने का वादा किया था लेकिन फिर भी वो भर्ती नहीं दे पा रहे, ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों के न होने के कारण वहाँ के छात्रों का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, जिस कारण हम सभी लोग ये बड़े ही निराशित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने घोषणा करी थी कि हम सभी रिक्त पदों पर भर्ती देंगे, जिसका अभी तक पालन नहीं हो पा रहा है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है, जिस कारण प्राथमिक शिक्षा के सभी स्कूल बंदी के कगार पर हैं लेकिन फिर भी योगी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। हमारा लक्ष्मण मेला मैदान में पिछले 50 दिनों से धरना चल रहा है माननीय राजेंद्र सोमजी के नेतृत्व में, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। इस मौके पर सचिन माथुर, कुशल चौधरी, गिरीवर कुमार, आकाश कुमार आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रोडवेज विभाग लगातार बसों की चेकिंग के लिए अभियान चला रहा है, जिसमें कई यात्रियों को जुर्माना भी देना पड़ा।
साथ ही बुधवार को सेवा प्रबंधक ने 17 संविदा परिचालकों को संविदा से समाप्ति कर दी है, जिसकी ज्यादा जानकारी रोडवेज के सेवा प्रबंधक अतुल जैन ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। हमारे यातायात अधीक्षक और यातायात निरीक्षक और अधिकारियों द्वारा भी आकस्मिक चेकिंग समय समय पर की जाती है और चेकिंग में जो भी गंभीर प्रकरण बिना टिकट यात्री उसमें हम लोग बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं। पिछले 3 महीने में पूरे हमारे मंडल में 17 परिचालक ऐसे हैं जो बिना टिकट यात्रियों के गंभीर प्रकरण जिनके पकड़े गए और उनकी हमने सेवाएं समाप्त की। इसके बाद भी उन चालकों को दोबारा रखा जाता है सभी लोगों में? जिनके बिना टिकट में सेवाएं समाप्त हो रही हैं और बिना टिकट ले जाने में तो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर पुनर्विचार नहीं किया जाता। किस तरह का विचार सर चेकिंग अभियान चलाया? बिना टिकट जो है एक बहुत गंभीर प्रकरण है। बिना टिकट ले जाने से एक तो यात्रियों को ये लगता है कि असुरक्षा सी महसूस होती है, कल को मान लीजिए बस में कोई दुर्घटना हो जाए इत्यादि कुछ हो जाए तो उसी टिकट के आधार पर ही वो बीमा इंश्योरेंस अपना जो भी क्लेम करता है और दूसरा उसके साथ साथ राजस्व की हानि होती है। और यदि कंडक्टर टिकट नहीं ले जाएगा तो हमको सही आकलन नहीं लग पाता कि जिस मार्ग पर बस चल रही है उसमें कितने यात्री हैं, उस पर हमें यदि यात्री अधिक हैं तो हमें बस सेवाएँ उस पर और अधिक बढ़ानी चाहिए। यदि वो बिना टिकट ले जाएगा तो हमें सही स्थिति का आकलन ही नहीं होगा। इसके लिए यदि कोई गंभीर प्रकरण बिना टिकट यात्री पाए जाते हैं और जो पाए गए हैं उसमें हमने पूरे 3 महीने में 17 परिचालक ऐसे हैं जिनको कि हमने सेवा पत्र कर। प्रदेश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए निजी कंपनी द्वारा बस डिपो पर बसों की जानकारी देने के लिए स्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन मुरादाबाद डिपो में ये स्क्रीन खराब पड़ी है जिस पर निजी कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रदेश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रायमैक्स कंपनी द्वारा रोडवेज बसों पर LCD लगाई गई थी, जिसमें मुरादाबाद डिपो पर भी LCD लगाई गई थी जो इन दिनों खराब पड़ी है, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। LCD तो हमारा पूरी तरह चालू है, अभी 3 दिन पहले जो है इसमें अंदर अंडरग्राउंड लाइन में फॉल्ट हो गया है, फॉल्ट होने के कारण जो है ये लाइन बंद हो गई है, इस कारण बंद है, वैसे पूरी तरह से चालू है। क्या इस पे तो कुछ से कुछ चलता ही नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसा लगता है कि LCD बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, खाली दिखावे के लिए लगाई गई है? नहीं, ये ऐसा प्रोग्राम सब पड़ गया है और ये बराबर आवागमन और बस का संचालन और MHT का प्रचार और इसका सब बराबर जो है बताया जा रहा है। बुधवार को यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की पीतल नगरी शाखा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन ARM पीतल नगरी कार्यालय पर किया, जिसमें भारी संख्या में चालक व परिचालक मौजूद रहे। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की पीतल नगरी शाखा ने 5 मांगों को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन ARM पीतल नगरी कार्यालय पर किया। वेतन कम हुआ है, पूछताछ की जाएगी, यदि वो दोषी होंगे तो उनके वेतन से रिकवरी की जाएगी। 8वां बिंदु था महिला परिचालकों को मुख्यालय से कंप्यूटर प्रशिक्षण के आदेश, शूटर का काम नए लड़के जानते हैं, उनसे 1 दिन या 2 दिन के लिए वहां काम ले लिया जाएगा। 10वां बिंदु यूनियन की मांग थी कि कटघर बस स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जाए और साथ में समस्त कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किए जाएं और साथ ही चालक व परिचालकों के अविलंब रक्षाबंधन भुगतान कराया जाए। इस अवसर पर मनोज कुमार राजकुमार राजपाल सिंह ऐसा था कि अभी पीछे 2 महीने पहले कर्मचारी समस्या को लेकर हमारी ARM साहब से बात हुई, जब भी 2 दिन का हमने धरना यहाँ पे लगाया, लेकिन किसी भी बिंदु पे अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी, न ही किसी कर्मचारी का कोई जो कार्य होने का वो हुआ था। दूसरे समझौता होने के बाद भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय को 3 तारीख में झूठी रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया, एक ये भी बिंदु हमारा बढ़ गया। तो इस संबंध में हमारे द्वारा 8 दिन पहले नोटिस दिया गया था और उसी के लिए आज वार्ता हुई और जो झूठी रिपोर्ट जिन्होंने की है वो लोग लिख के देंगे और राजकुमार जी आज या कल में बहाल कर दिया। इंतजार हुसैन, मोहम्मद अक्रम आदि उपस्थित रहे। कौशल अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को तहसील दिवस के चलते तहसील सदर में समाधान दिवस लगाया गया। समाधान दिवस में आई शिकायतों की जानकारी
एसएस न्यूज सिटी हलचल को सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार ने दी। समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी मौर्य की अध्यक्षता में हुआ। अब तक कुल 91 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण हुआ है। मुख्यतः राजस्व विभाग की शिकायत थी, राजस्व विभाग, इसके अलावा विकास विभाग की कुछ शिकायतें थी, विशेषकर से प्रधानमंत्री आवास योजना से। मुरादाबाद में कौशल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जन्माष्टमी कार्यक्रम भी मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। आजादी की 71वीं वर्षगांठ देशवासियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। आजादी का जश्न देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर मनाया तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुरादाबाद में कौशल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जन्माष्टमी कार्यक्रम भी मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर्वप्रथम झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की संचालिका स्वाति वर्मा ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आज हमने जो कराए हैं, ये हमारा जो भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, आज उसे पूरे 70 वर्ष हो गए हैं और मैं पूरे देशवासियों को, पूरे अपने महानगर वासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो हमने आज प्रोग्राम करवाए हैं इसी शुभ अवसर पर कराए हैं। और जैसा कि पता है कि जन्माष्टमी भी है, इसलिए हमने थोड़ा जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम रखा। और ये जो प्रोग्राम कराया है आपने, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि बस हमारा देश और अच्छे से अच्छे उन्नति करे और बच्चों के, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी मन में हीन भावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों को ही रख के ये प्रोग्राम करा। देश में जन्माष्टमी का पर्व महानगर में दूसरे दिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर काफी संख्या में भक्त पहुंचे। साथ ही संकीर्तन मंडली में भगवान के भजनों के साथ ही संकीर्तन किया गया। दिल्ली रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काफी संख्या में भक्तगण पहुंचे। साथ ही महानगर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार रात महानगर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। शहर के ज्यादातर मंदिर कई दिनों से सज रहे थे, जिसकी झलक कल रात देखने को मिली। वहीं कई जगह दही हांडी की प्रतियोगिता भी हुई, जिसने इस त्यौहार को और अधिक आनंदमयी बना दिया। रात 12 बजते ही मंदिरों में जय कृष्ण नंद गोपाल के जयकारों से गूंज उठा। ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि कल दिन में सभी ने स्वतंत्रता दिवस भी धूमधाम से मनाया था और रात में जन्माष्टमी की अलग ही घटा देखने को मिल रही थी। शहर के ज्यादातर मंदिरों में मंगलवार रात जन्माष्टमी का पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। सबसे ज्यादा रौनक दिल्ली रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में देखने को मिली। यहाँ फूलों की सजावट के साथ ही आकर्षक लाइट्स का भी उपयोग किया गया था। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। श्री कृष्ण
जन्माष्टमी पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। सभी मंदिरों पर पुलिस व महिला पुलिस बल के साथ ही सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। शहर के ज्यादातर मंदिरों में रात 2 बजे तक चहल पहल रही और लोगों ने कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद उठाया। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को महानगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में लाइनपाल माता मंदिर व झांझनपुर के सामुदायिक केंद्र पर जन्माष्टमी के पर्व पर विभिन्न धार्मिक झांकियों का मंचन किया गया। लाइनपाल स्थित प्राचीन श्री दुर्गा माता मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत महानगर में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। माता मंदिर कई दिनों से सज रहा था, जिसकी झलक रात देखने को मिली, जिसने इस त्योहार को और अधिक आनंदमय बनाया। रात 12 बजते ही मंदिरों में जय कृष्ण नंद गोपाल के जयकारों से गूंज उठा। यह इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि कल दिन में सभी ने स्वतंत्रता दिवस भी धूमधाम से मनाया था और रात में जन्माष्टमी की अलग ही घटा देखने को मिल रही थी। साथ ही मथुरा से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण रासलीला की झांकियों का मंचन किया। कंस के पिता मथुरा के राजा उग्रसेन मुझे नहीं पता है, आप ही विदित कराइए कि ये दोनों मेरे कौन है। ये यहाँ से वरना पिता के पद का मान न रहेगा। ये खा किस पर चल जाइए मुझे तला चले अपनी सलवार को। धर्म तो यही कहता है ना कि पुत्र के सामने पिता का सर कटे तो कट जाए। वहीं सिविल लाइन्स स्थित झांझनपुर सामुदायिक केंद्र में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की, जिसमें काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। यहां बता दें कि रात 12 बजते ही सभी मंदिरों में कृष्ण के जयकारे गूंज उठे और इसके अलावा जिन्होंने व्रत खोला वे भी मंदिर में दर्शन को पहुंचे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। यहां बता दें कि रात 12 बजते ही सभी मंदिरों में कृष्ण के जयकारे गूंज उठे और इसके अलावा जिन्होंने व्रत खोला वे भी मंदिर में दर्शन को पहुंचे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार की रात महानगर के मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सभी भक्तों ने भगवान कृष्ण के दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। जन्माष्टमी के उपलक्ष में बीती रात महानगर के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में काशीराम नगर स्थित धीर शांत मंदिर में भगवान कृष्ण की जीवन शैली पर विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गयी।
भक्तों ने दूध दही से भगवान कृष्ण को नहलाकर धर्म लाभ कमाया। वहीं पुलिस लाइन स्थित मंदिर में भक्तजन कृष्ण की लीला पर झूमते नजर आए। मझौला चौक श्री शिव मंदिर पर मंगलवार को श्री अष्ट सिद्धि विनायक उत्सव मंडल के तत्वावधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा विभिन्न धार्मिक झांकियों का मंचन भी किया गया और रात्रि में 12 बजते ही ग्वालों की टीम ने एक दूसरे के कंधे पर सहारा लेकर दही हांडी मटकी को फोड़ा। लाइन पार स्थित मझौला चौक श्री शिव मंदिर पर मंगलवार को श्री सिद्धि विनायक उत्सव मंडल के तत्वावधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय गान से की गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धार्मिक गीतों पर बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई। साथ ही रात्रि में 12 बजते ही गोविंदाओं की टीम ने 20 फीट पर लगी माखन की मटकी को फोड़ा। कार्यक्रम का संचालन मंडल के अध्यक्ष राजकुमार यादव उर्फ राजू ने किया। इस मौके पर बनवारी लाल, राजू सैनी, संतोष सैनी, सुरेश कुमार, सोनू प्रजापति, रामगोपाल कश्यप, बंटू सैनी, कपिल, विनय सैनी, गौरव सैनी आदि भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को मुगलपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चोरी की 7 बाइकों के साथ एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरी की रोकथाम हेतु एसएसपी ने एसपी सिटी और सीओ सिटी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वाहन चोर गिरोह का एक शातिर चोर रामगंगा पुल पर चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी करके शातिर वाहन चोर को गिरफ्त में लिया, जिसकी शिनाख्त राजीव वर्मा पुत्र महेश वर्मा निवासी रानी किशोरी का फाटक शिव मंदिर के सामने थाना मुगलपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की 7 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शातिर पुलिस पर पैसे लेकर अपने साथी को छोड़ने का आरोप लगा रहा है। अरे तुम्हारे साथ में कोई और भी था जो छोड़ा पुलिस ने? तुम्हारे साथ कोई और था जो छोड़ा पुलिस ने? हाँ। क्या नाम था उसका? नाम बताना, ढोल भड़क का। क्या नाम? कितने लोग थे, कितने पैसे में छोड़ा? नहीं, पैसों की ना बताओ, मुझे छोड़ दिया। और बुधवार को नागफनी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मकान के विवाद के चलते सगे भाई ने अपने भाई को चाकू से गोद कर घायल कर दिया। मकान के विवाद के चलते सगे भाइयों में हुई चाकूबाजी की ये घटना नागफनी थाना क्षेत्र स्थित डहरिया मोहल्ले की है। दरअसल यहाँ पर हाजी मल्लू का परिवार रहता है। उसके बेटे हाजी शफी और आलम के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते आज हाजी शफी ने
चांद बाबू के साथ मिलकर आलम को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ये मेरा हिस्से बंटवाने की बात है, वो कह रहा था तो हिस्सा दूंगा ना, तो शादी कराऊंगा। और पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं मेरे ऊपर। कितने मारे हैं चाकू? ये मेरे भाई ने मारे हैं। क्या नाम है? शफी नाम है उसका। अच्छा, जमीन को लेकर विवाद है? हाँ, घर को लेकर विवाद है। ना तो शादी करवाना है, ना घर दे रहा हूँ। कह रहा जान से मार देंगे तुझे इस महीने के अंदर, और तुझे ना हिस्सा देंगे ना तुझे कुछ कुछ देंगे। और कौन था उसके साथ? और उसके साथ था चांद बाबू, एक भाई साथ में था उसके। चांद बाबू कौन है? ये मेरा भाई, यही भाई है। थाने जी नागपन थाने में भी मैंने रपट लिखवाई जाके। कल की रात अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र में महिला की दहेज हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगाकर महिला की हत्या की ये दर्दनाक घटना डिडौली थाना क्षेत्र के शाहपुर उर्फ पैगम्बरपुर गाँव की है। दरअसल पागबाड़ा थाना क्षेत्र के आलमपुर निवासी नजाकत ने अपनी बेटी बब्बो की शादी शाहपुर निवासी नाजिर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ये दहेज लोभी ससुरालिये उसका उत्पीड़न करने लगे। हद तो तब हो गई जब इन रावड़ों ने उसे आग लगाकर मौत की नींद सुला दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बब्बू कौन है आपकी? मेरी बेटी है। तो क्या हुआ इसके साथ? जला के मार दी। कितना मार दिया? उसके आदमी ने मार दी, नाजिम ने। क्यों मार दी, क्या वजह? मतलब 7 साल से माल मांगे हम इससे, 7 साल से ही मारे हमें लोनिया को। एक दिन फांसी पे लटका दी तो बालक जग गए और जग गए, पड़ोसी तो बचा ली अभी एक महीना पहले। हाँ तो अब क्या पैसे मांगता था? हाँ और तो अब अरे परसों ही कुंडल लेके गई है, बकरी लेके गई है मिस से, कुंडल लेके गई है, पैसे भी लेके गई है मिस्से, मैं और दे दूंगी। बुधवार को डिलारी थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते ससुरालियों ने बहू और उसके मौसा को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेज दिया है। डिलारी थाना क्षेत्र के ढकिया में आरिफ परिवार सहित रहता है। उसकी पत्नी परवीन अपने मौसा तस्लीम के साथ कपड़े खरीदने पड़ोस के गांव राजपुर चली गई। इसी से खफा होकर ससुर हनीफ देवर आविद और रिजवान ने मिलकर परवीन से बदसलूकी की और बचाव में आए तस्लीम को भी दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। लेने गए थे अपने बच्चों के। कहाँ से लेने गए थे? राजपुर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, कपड़े उपड़े रख रही थी मैं, इनमें बोल चाली हो रही थी ऐसे थोड़ी बहुत घर। अब तीन चार जने जाकर मुझे पकड़ लिया, तीन चार जने ने जाकर। कौन लोग थे वो? हनीफ, आबिद, रिजवान, ये थे तीन जने जो पकड़े। क्यों पकड़ा आपको? पकड़े जबरदस्ती कर रहे थे मुझे, अंदर कमरे में ले गए तो मैंने गदर काट चीख हमारी, मेरे मौसा जी गए अंदर को तो मुझे छोड़ा, तो इनको मार पिटाई करी बहुत ज़्यादा। मैंने मैं बचाने गई तो मुझे बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। तो थाने में शिकायत करी आपने? करी हाँ। तो पुलिस ने पकड़ा किसी को अभी तक? उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, हम हमें ले थी थाने को, गिलारी थाने। तो हनी बोलिए कौन है आपके? हनी मेरे सुसर हैं। तो क्यों पकड़ा गया? गलत निगाह से पकड़ा? क्यों रखते हैं गलत निगाह? क्या पता क्यों रखते हैं, वो जानते होंगे। पहले भी एक दफा ऐसे हो गया था। विगत 2 दिन पूर्व संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया था। बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक के घायल होने की ये घटना नखासा थाना क्षेत्र के पोटा बराई गाँव की है। दरअसल असमौली थाना क्षेत्र के चंदबाड़ निवासी जहीर का बेटा मुरसलीन बराई गांव पैथोलॉजी में काम करता है। विगत 2 दिन पूर्व बराई गांव में जानवर से बचाने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। आज कांठोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। बाइक पर जा रहे थे, कोई जानवर इनका आ गया वगैरह, उसकी वजह से गिर गए, खंभे में जा लगे। कहाँ पर हुई ये घटना? ये बराई में हुई थी। कब हुई थी? 14 तारीख में। तो इनकी मौत कहाँ पर हुई? बहुत विवेकानंद हॉस्पिटल में शाम 9 बजे। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते थे? चंदवार की मंडी पैथोलॉजी लैब चला रहे थे, डॉक्टर थे। किस जगह थी लैब? और आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। स्वयंवर बैंकेट हॉल में भारतीय युवा मोर्चा की एक बैठक आयोजित। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहित बेनीवाल रहे मुख्य वक्ता। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की पीतल नगरी शाखा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एआरएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। भारी संख्या में चालक व परिचालक रहे मौजूद।
डिडौली थाना क्षेत्र में महिला की दहेज हत्या का मामला आया प्रकाश में। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, जांच की शुरू।